में कहा था आज तेरा नंबर है कल मेरा नंबर आएगा, ये तो कोर्ट में वो गए हैं और मुझे लग रहा है क्या फिर से नंबर आपका ही आने वाला है, क्या कोर्ट ने आपको नोटिस दिया है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कोर्ट का मैंने हमेशा सम्मान किया है और आगे भी करूंगी। जैसे भारतीय नागरिक हमने जो सीखा है बचपन से, कोर्ट का जो आदेश है वो सर आंखों पर है और उसका पालन हमने किया है कि उस मुद्दे पे हमने एक भी विधान नहीं किया। जो सब्जेक्ट को लेकर हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल हुए उस ऑफेंस पे भी बात नहीं की, पर उसके बाद जो हमारे साथ लॉकअप में हुआ, उसके बाद जो जेल में हुआ, तो उसके ऊपर बात करना ये तो मुझे संविधान ने मेरा हक दिया है, तो मुझे लगता है उस पर बात करना ये तो मुझे हकों के लिए जो मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ तो मेरे हक के लिए तो मैं खुद लड़ूंगी। लग नहीं रहे कि शिवसेना या सरकार पीछे आपको लेकर हटती दिख रही है, लगातार आक्रामकता बनी हुई है? आपने बात की, आज कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने देखिए सख्त निर्देश आपको लेकर दिया। मुझे लगता है कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो लेखी हमको पूछा गया है, पूछा है, अभी तक तो मैं फ्लाइट में थी, आपके साथ ही मैं बाहर आई हूँ आपकी टीम के साथ में, तो जाके देखेंगे कोर्ट ने क्या नोटिस दिया है और जो नोटिस दिया है उसका पूरा रिस्पेक्ट करके हम उन्हें उसका आंसर लेके हमारे एडवोकेट और हमारी लीगल टीम जो है वो देगी। पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि उस विषय को लेकर हमने एक भी विधान कोई भी स्टेटमेंट में नहीं दिया, पर एज ए पॉलिटिकल मेरा किसी के लिए उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी कमियां गिना के देना, ये मुझे तो मेरे लोगों ने राइट्स दिया और मेरे संविधान ने दिया है। देखिए अपने वकील से, मैम आप बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए, अपने वकील से या फिर अपने किसी और लीगल एडवाइजर से इस पे चर्चा की थी कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से? मुझे लगता है जब भी हम बाहर आए और मैं हॉस्पिटल में आने के बाद जो मैंने जानकारी ली कि पर्टिकुलर वो विषय को लेकर हम नहीं बात कर सकते और हमने उस पर्टिकुलर विषय को लेकर कोई बात नहीं की, हमने हमारे साथ जो उसके बाद हुआ उस विषय पे हमने बात की है कि मेरे साथ जो तरीके से दुर्व्यवहार लॉकअप से लेके जेल तक हुआ उस पे तो मैंने बात करना मेरा अधिकार है। आज मैम आप दिल्ली आई हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, किन किन से मिलने का विचार है आज का? आज मैंने हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला साहब, उनसे मैंने समय लेकर 5:30 बजे उनको जाने वाली हूँ और एज ए मेंबर वो लोकसभा की मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है स्पीकर साहब को जाके बताना कि जेल में कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से व्यवहार मेरे साथ हुआ और लॉकअप में किस तरीके से मैं 6 घंटा खड़ी रही, किस तरीके से मेरे साथ में उन्होंने बिहेव किया, वो सब उनको बताना बहुत जरूरी है और मैं बताऊंगी। तो मैं कल सुन रहा था उद्धव जी को खुली चेतावनी आप दे रही थी, क्या चुनाव को लेकर आप उनको खुली चेतावनी कह रही हैं कि मैदान में आइए चुनाव लड़िए और जानिए क्या कुछ होता है? 100% जो मेरा काम मेरा कर्तव्य है, हम दोनों विधायक और मैं हमने अपनी जिंदगी में खुद के मेहनत से खून का एक एक कतरा देके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पता है कि वो मेहनत की क्या वैल्यू है, ना ही किसी के नाम के भरोसे, ना ही किसी के काम के भरोसे और पैसे के भरोसे यहाँ तक पहुँचे, खुद की मेहनत कर हम ये पोजीशन पे पहुँचे, इसलिए मैंने उन्हें आह्वान दिया है। जिन्हें गली और पसीना पता नहीं कैसे बहाया जाता है, उन्होंने इतनी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए और वो व्यक्ति ने तो बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए जो अपने पिताजी की प्रचार में इतनी फोटो आदरणीय बाड़ा साहब की लगाते हैं और मोदी जी की इतनी बड़ी कि उसे मेजर भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने सिद्धांतों की बातें नहीं करनी चाहिए। पसीना बहाना किसे कहते हैं, वो हम जैसे मजदूरों से सीखना चाहिए और इसलिए उनको आह्वान किया कि मैदान में आके फिर हमसे लड़ के दिखाइए कि मेहनत करने वाला ईमानदारी से और खुद के मेहनत के पसीने की वजह वो कहाँ पे पहुंच सकता है जिसने मेहनत ही नहीं की। मोदी जी का जिक्र करती हैं, मुझे लग रहा है इसीलिए वो गुस्सा होते हैं और वो ये कहते हैं कि शरद पवार जी का पैर छूकर कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आप सांसद बनती हैं, पति आपके विधायक बनते, यही कारण है क्या कि शिवसेना निशाने पे ले लेती है? मुझे लगता है बहुत सिद्धांतों की बात करते हैं, जो खुद किसी के भरोसे चुन के आए हैं, किसी के पैर पकड़ के आए हैं, उन्होंने नवनीत राणा को, रवि राणा को सिद्धांत सिखाने की जरूरत नहीं है। नवनीत राणा, रवि राणा बिन पॉलिटिकल परिवार के व्यक्ति हैं, खुद के पसीना निकाल निकाल के वो आज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA बने हैं, तो मुझे लगता है जब आप खुद के भरोसे बनोगे तब आपने सिद्धांतों की बात करना चाहिए। पूछता हूँ सवाल आपसे, फिर एक बार पूछूंगा, अभी एक नया नोटिस है मैम और हनुमान चालीसा की लाइन है, नासे रोग कटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, और अभी एक नई नोटिस है, ये हनुमान चालीसा जो आपने पाठ शुरू किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, हर दिन नया सरदर्द लेके आपके लिए आ रहा है, हनुमान चालीसा विपरीत तो नहीं पड़ गया आपके लिए? मुझे लगता है भगवान का नाम लेना कभी विपरीत नहीं हो सकता, उसके लिए अगर आखिरी सांस तक भी लड़ना पड़े तो मैं नाम लेना, अगर मुझे कोई बोलेगा कि भगवान राम का नाम लेने में
आपको पूरी जिंदगी अंदर डालेंगे, तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान की बेटी हूँ और उसी नाम से आगे बढ़ी हूँ, तो उसको कभी नहीं छोड़ सकती। चाहे जिसके अंदर जितनी दम हो, उन्होंने उतनी दम लगा लेना। मुझे लगता है आज पावर है, पावर का दुरुपयोग हमारे महाराष्ट्र में, पहली महिला एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसे जेल में डाला गया है। मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि मैं भगवान के नाम पे अंदर गई हूँ। और आप लोग देखिए, जब आपकी बारी आएगी, उनको मैं तब पूछूंगी जब आदित्य ठाकरे को, जब कोई बिना कोई सजा के अंदर डालेंगे, तब पूछूंगी कि अब कैसा लगता है मुझे। मैंने जो बर्दाश्त किया है, मैंने जो पीड़ा ली है, मुझे लगता है वो तो मुझे पता है और मेरे परिवार को और मेरे छोटे बच्चों को पता है। जब आदित्य ठाकरे जाएंगे तब मैं इनको पूछूंगी अब कैसा लगता है। अच्छा, अब आदित्य ठाकरे जी का जिक्र करिए, 10 जून को अयोध्या जा रहे हैं वो। ये जो राजनीति है, मैं देख रहा हूँ पूरी महाराष्ट्र की राजनीति हनुमान चालीसा, अयोध्या, प्रभु श्री राम, भगवान हनुमान, इसके इर्द गिर्द आ गई है। क्यों ऐसा एकदम से ऐसा क्या हो गया? मुझे लगता है कि जब से उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने ना, एक दिन उन्होंने काम किया है, ना ही एक जिले में वो दौरा लगाए। सिर्फ आज उनको दिखाना पड़ रहा है अयोध्या में जो बैनर पोस्टरबाजी हुई है, असली और नकली। आज ये पोजीशन आ गई है शिवसेना को दिखाने की कि कौन असली भक्त है और कौन नकली भक्त है। ये तो पूरे देश की जनता जानती है, ये नकली रह गए, असली तो चले गए। आपने घर में क्या गड़बड़ की? आपने बीएमसी तो नोटिस चिपकाया हुआ है कि गड़बड़ी आ रहे हैं करने के लिए। आप कल पहुंची थी, डर तो नहीं था ना कि बीएमसी के अधिकारी आ जाएंगे, घर तोड़ देंगे, ऐसा कोई मन में डर तो नहीं था? मैं डरने वाली होती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। बेखौफ बाहर निकली हूँ और बेखौफ लड़ने के लिए मैदान में उतरी हूँ। तो ना मुझे डर से कोई चुप करा सकता है, ना मैं चुप करूँ। मुझे बेघर भी कर दिया तब भी रोड पे बैठकर यही हिम्मत से मैं आगे लड़ूंगी। हमारा एक ही घर है मुंबई में, अगर वो भी तोड़ना चाहते हैं तो उनके मुताबिक है। ना मैं बिल्डर हूँ, मैं तो कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैंने तो फ्लैट बांधा नहीं है, बिल्डर ने बांधा है, परमिशन बीएनसी ने दी है, तो उनकी बीएनसी थी, उनके ही अधिकारियों ने परमिशन दी है। तो जवाब अगर पूछना है तो उनके लोगों को पूछना चाहिए, मुझे नहीं। कल मैं बात कर रहा था आपसे तो रवि जी ने और आपने दोनों ने कहा कि संजय राउत, अनिल परब और उद्धव जी, इनकी पूरी फाइल तैयार है, वो लेकर आए हैं दिल्ली में, देंगे दिल्ली में, जो केंद्र की सरकार है उसको ब्रीफ करेंगे। क्या कुछ सूचना है मैम? जी बहुत सारी चीजें हैं, हम किसी पे अननेसेसरी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम बहुत परिवार एक ऐसे परिवार से हैं जो संघर्ष से ऊपर आया है, तो मुझे लगता है हमारा संघर्ष जब भी हम करते हैं तो सही राइट ट्रैक पे ही करते हैं। अगर कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम अननेसेसरी कभी किसी के सामने नहीं बोलेंगे, पर आगे जरूर आके दिखाएंगे। जब भी आप बाल ठाकरे जी का जिक्र करती है बड़े सम्मान के संग उनका जिक्र करती है, आप उनका जो पूरा इतिहास है उसको लेकर सम्मानजनक तरीका दिखाती है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री जी में ऐसी क्या कमी दिख जाती है, उनके हिंदुत्व में क्या ऐसी कमी दिख जाती है कि आप इतनी आक्रामक हो जाती है? मुझे लगता है कि आदरणीय बाड़ा साहब जी ने हिंदुत्व लोगों के लिए, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए लड़ाई की, ना कि पद के लिए लड़े। इन्होंने हिंदुत्ववादी छोड़ दिया सिर्फ पद के लिए, तो ये फर्क है हिंदुत्ववादी के लिए लड़ना और हिंदुत्ववादी को छोड़ना और पद के लिए लड़ना, ये फर्क है उद्धव ठाकरे जी में और बाड़ा साहब ठाकरे जी में। तो मुझे लगता है हम मानने वाले हैं बाड़ा साहब ठाकरे को, ना कि उद्धव ठाकरे को। हम अपना हिंदुत्ववादी और हमारे जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हम कोई पद के लिए नहीं छोड़ सकते। वो अंतर है उद्धव ठाकरे जी में, जो पद के लिए सब अपनी चीजें, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा सब छोड़ दी है, इसलिए उनके साथ में। और दो साल से हमारे महाराष्ट्र को कौन से दिशा में लाके छोड़ा है, ये तो उद्धव ठाकरे जी ही दिखा, जो देख रहे हैं। ये तो मुझे लगता है मेरी ये 30-35 सालों में, 30-35 वर्षों की जिंदगी में पहली बार देखा कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की दिशा ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय में दो साल जाता नहीं है, तो उसके उससे दुर्भाग्य क्या होगा हमारे। शिवसेना को लेकर इतनी आकर, मतलब क्यों? सरकार में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, कुछ नहीं बोलती आप शिवसेना? मुख्यमंत्री तो शिवसेना का है, प्रमुख ही अगर गलत हो तो बाकियों को बोल के क्या होगा, प्रमुख सुधरना चाहिए तब पूरी। आप दिल्ली आ गई है, कोई मैसेज आप देंगी सरकार के लिए, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए? कैमरे की तरफ देखिए, कोई मैसेज, कोई बात आपको कहनी हो? जो सीपी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के आदेश पे सब कार्रवाई की है, उनको मेरा एक सलाह जरूर रहेगा। आप एक महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मैं जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जान पे खेल के हमारे देश को और लोगों को बचाने का काम करते हैं। आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप दूध के धुले नहीं बन जाओगे, आपकी भी चीजें बाहर आएंगी, और रिटायरमेंट के बाद भी
आपको उसकी सभी चीजों का उत्तर देना पड़ेगा। संजय पांडे जी ये याद जरूर रखना। देखिए तो नवीन दादा उस वीडियो का शायद जिक्र कर रही है जो ट्वीट किया था, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि पीने के लिए पानी नहीं मिला और खड़ा रखा गया, तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जब बात कही तो सीपी मुंबई ने ट्वीट किया था जिसमें वो कुर्सी में बैठी हुई थी, पानी पी रही थी, उनके आगे चाय रखा हुआ, तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए सीधे चेतावनी जो सीपी है मुंबई को उनको भी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे उनको भी देती हुई नवीन राणा दिखाई दे रही है।